जैसे आपने बताया कि हर मोमेंट को 100% जीना है, तो कई बार हमारे खुद के माइंड में ये चीज़ आती है कि जैसे अभी तो मैंने अपने गोल को पाया ही नहीं है, मैं उस जगह तक नहीं पहुंच पाई, तो मैं कैसे इस चीज़ को अच्छे से 100% जी लूँ। तो आप प्लीज़ मुझे ये बताइए कि हम कैसे उस टाइम को करें, उस टाइम अपने माइंड में कैसे सेट करें उस चीज़ को। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। बड़ी अच्छी बात बोली है, अगर आपने ध्यान से सुनी है इन्होंने क्या बात बोली है। क्या होता है, बार बार हमारा जो ध्यान है वो एक तो दिखता है इस मोमेंट में जो कमियां हैं हमारी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम चल रही है अनलिमिटेड, दूसरा हमको हमारी ख्वाबों की दुनिया दिख रही होती है कि अगर ये हो गया तो 3 साल बाद 4 साल 5 साल बाद ये हो जाएगा, तो अब हम इस मोमेंट में आए कैसे, दिस इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इस मोमेंट में ऐसा है क्या, जो भी है वो तो 5 साल बाद है, अभी ऐसा है क्या, समझ पा रहे हो ना प्रॉब्लम। और मजे की बात क्या है, 5 साल बाद आपको ऐसा लग रहा है या फैक्ट है कि 5 साल बाद आपकी लाइफ बड़ी कमाल की हो जाएगी। डू यू नो इट फॉर श्योर कि उस टाइम सब कुछ परफेक्ट हो रहा होगा आपकी लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई ड्रीम जॉब है वो आपको मिल जाएगी, तो आर यू 100% श्योर कि आपका जो बॉस है वो बिल्कुल धर्मात्मा टाइप का होगा, वो लोग भी अच्छे होंगे सारे ऑफिस में या जहां पर भी आप कंपनी में होगे, वहां कोई पॉलिटिक्स भी नहीं होगी, हेल्थ भी उस टाइम परफेक्ट होगी, फैमिली में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब खिलखिला रहे होंगे, अरे वाह 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 क्या मजा आ गया। हाँ ऐसा होगा, हाँ वो गोल अचीव हो जाएगा, लेकिन गोल अचीव होने के बाद ये नहीं है कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, अलग टाइप की रहेंगी जो अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। आज अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तब अलग तरह की होगी, तो तब भी हम बैठ करके यही सोच रहे होंगे कि यहां तो आकर के मैं फंस गई हूं अपने इस गोल को अचीव करने के चक्कर में, इस कंपनी में अब 1 साल तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेज्यूम पे अच्छा नहीं लगता कि आते ही छोड़ दिया 4 दिन में, 1 साल बाद जब मैं इस कंपनी को छोड़ के उधर चली जाऊंगी तब मेरी लाइफ में, वहां अलग तरह के खच्चर मिलेंगे। ऐसा होता है लाइफ में, नहीं होता है? और फिर करते करते शादी हो जाती है, अभी बच्चे कोई करता थोड़ी हो जाते हैं, भगवान की देन है जी, कहानियां नहीं सुनी बचपन में। तो अब इस मोमेंट में हम कैसे रहे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसका हमको जवाब ढूंढना है। किसी के पास है इस क्वेश्चन का जवाब? इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद, ड्रीम्स के बावजूद जो बड़ी अट्रैक्टिव लग रही होती है, ये गोल्स जिसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं, जिसके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया होता है, तो उस गोल्स का जो आउटकम है, जो होने वाला है 5-10 साल बाद, वहां से हट करके यहां पर कैसे आए, क्योंकि वही तो हमको तड़पाता है, उसके साथ में डर भी तो आता है, नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, तो डर में अगर आप आज जी रहे हो तो खुश कैसे रहोगे। और सर उसके बाद जब जो मिल जाता है फिर उसे खोने का डर रहता है। हाँ, जब मिल जाता है तो उसको खोने का डर होता है, गाड़ी आ गई अब ये डर है कि कुछ क्रैश ना मार दे, अरे सारे पड़ोसियों को आपने जला दिया, यही आपकी जिंदगी का मकसद था। और अब उन सबकी जिंदगी का मकसद है किसी तरीके से वो पकड़े ना जाए लेकिन आपकी गाड़ी को जला दिया जाए। नहीं, आपने उनको जलाया तो तभी तो हिसाब बराबर होगा ना। अब हम डर में जी रहे हैं, रात को सो रहे हैं, पता नहीं कौन, ये कौन मार गया। ये सब चीजें हैं या नहीं है हमारे यहाँ पे, इंडिया में तो बहुत कॉमन है ये, तरह तरह के हमारे अंदर डर है, पास्ट ने हमको जकड़ा हुआ है, पास्ट में कुछ हो गया था हमारे साथ में, उसको पकड़ करके बैठे हुए हैं, उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। अभी जो लाइफ में सही हो रहा है वो सब दिखता है क्या? दिखना चाहिए लेकिन दिखता है, टेम्परली दिखता है, दिन में कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए, बट बाकी टाइम फिर हम पास्ट में, या तो वो पास्ट की यादें चलती रहती हैं या फ्यूचर चलता रहता है माइंड में। तो ऐसा कैसे हो कि इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद हम इमीडिएटली इंस्टेंटली इस मोमेंट में आ जाए? ऐसा होने का सिर्फ एक तरीका है, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द स्केसिटी ऑफ टाइम। जब कोई चीज हमारे पास कम होती है तो उसकी वैल्यू होती है, नहीं होती है? जब बहुत ज्यादा होती है तो उसकी कोई वैल्यू होती है? जिसके पास बहुत पैसा है उसके लिए पैसे की वैल्यू है, जिसके पास कम है पैसा उसके लिए वैल्यू है। हम सबको गलतफहमी क्या है कि मेरे आगे पूरी लाइफ पड़ी है, गलतफहमी है। जैसी ये गलतफहमी टूट जाती है हमारी तो लाइफ में कुछ कमाल का होने लग जाता है, तब आप एफर्टलेसली लाइफ में 100% इन्वॉल्व होने लग जाते हो, कोशिश करके नहीं अपने आप ही इन्वॉल्व हो जाते हो। उस वक्त
जो इंपॉर्टेंट एक्चुअल में होता है आपकी लाइफ में उसके आप पास आने लग जाते हो, और जो कचरा होता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उससे आप दूर जाने लग जाते हो। जैसे आज अगर हमारी लाइफ में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट कौन है सबसे ज्यादा, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा सोच करके बोलने में। डू वी नो दैट कुछ 2-4-5 लोग होते हैं, उनके हम कितना पास है, ठीक है एक घर में रह रहे हैं बट कितना पास है। शादी हो जाती लोग हस्बैंड वाइफ नाम के लिए हो गए बट एक्चुअल में कितना पास होते हैं। शुरू में तो होते हैं 6 महीने, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उसके बाद क्या वो पास आ रहे होते हैं, दूर जा रहे होते हैं, वो अलग भाग रहा है, वो अलग भाग रही है। अगर दोनों को ये समझ आ जाए, या दोनों में से किसी एक को भी ये समझ आ जाए कि जो दूसरा है या दूसरी है उसके पास सिर्फ 1 हफ्ता रह गया, क्या होगा उस 1 हफ्ते में? क्या फिर भी वो वही सब करते रहेंगे जो कर रहे थे? क्या करेंगे? अपने ऊपर रख करके देखो, अगर आपके पास में 1 हफ्ता ही हो और सामने वाले को नहीं पता है, आपको पता है, ऐसा हो सकता है ना? आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसको नहीं पता कि आपके पास 1 हफ्ता है, आपको पता है, उस वक्त कैसे देखोगे उसको? कुछ बोलना पड़ेगा मुंह से? कैसे हग करोगे उसको? कैसे बातें करोगे उससे? लड़ोगे? पुरानी बातें याद दिलाओगे? ऐसे टाइम पे जब आपके पास 1 हफ्ता रह गया है, लोग क्या कहेंगे? कहां है ये? जो कहते हो कहते रहो कहते रहो, कहां गया ये गायब? पास्ट में जो भी कुछ आपके साथ में गलत हुआ है वो सब कहां है? सब गायब। कैसा हो सकता है कि मेरे पास में जो 1 हफ्ता रह गया है वो किसी तरह से किसी के काम आ सके, ताकि मैं मरने के बाद भी जिंदा रहूं उसके दिल में? ऐसे थॉट्स आएंगे? नहीं आएंगे? आने लग जाएंगे, अपने आप आने लग जाएंगे। इस तरह से जब हम जीने लग जाते हैं ना, और ये अभी मैंने आपको 1 हफ्ता बोला बिकॉज आई एम नॉट टू श्योर आप एक मूवमेंट को कैसे देखोगे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऐसे जीने लग जाते हैं तो एक एक मूवमेंट ऐसे निकलने लग जाता है, एक एक मूवमेंट में ये रियलाइजेशन आपका गहरा होता चला जाता है। बस यही मूवमेंट है। अपनी वाइफ से मिलोगे या अपने हस्बैंड से मिलोगे तो इसी तरीके से मिलोगे हर बार, तो हर बार आप पहली बार मिल रहे हो उससे, क्योंकि कोई बैगेज नहीं है ना। पहली बार का मतलब क्या होता है? कोई बैगेज नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है, तो बिना मेमोरी के अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो पहली बार ही तो हो रहा है। यू विल बी थैंकफुल टू द एंटायर यूनिवर्स कि शुक्र है मेरे पास में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है, अगर एक्चुअल में समझदार हो गए तो, कम से कम जी तो रहा हूं। ऐसा अंदर से आने लग जाता है कि ये जो पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ मिल करके इस मूवमेंट को पॉसिबल कर पा रहा है, मेरे लिए, मेरे लिए ये सब हो पा रहा है। सब कुछ आपके लिए होने लग जाता है, सब कुछ स्लो मोशन में चला जाता है। जैसा प्यार के टाइम आपने कभी एक्सपीरियंस किया होता नहीं है, सब स्लो मोशन में होने लगता है, ऐसा लगता है ये कोयल भी मेरे लिए कूक रही है, ये बादल भी मेरे लिए चल रहे हैं, बारिश मेरे लिए हो रही है, हवा मेरे लिए चल रही है, सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, ये जो फ्लावर है ये भी मेरे लिए है, और जो इस मोमेंट में है यानी कि अभी है और कल नहीं है वो ही लाइफ है, नहीं तो बाकी सब प्लास्टिक है। लाइफ किसे कहोगे? एक प्लास्टिक का फ्लावर 100 साल पहले भी वैसा था, आज भी वैसा है, या ऐसा फ्लावर जो कुछ देर में मरने वाला है। तो ये मौत ही जिंदगी में जान डालती है, लेकिन इस मौत से हम डरते हैं। मौत से डरना थोड़ी है, मौत तो सच है। सच से क्यों डरते हो? झूठ से डरो ना, झूठ को हम पकड़ करके रखते हैं। झूठ क्या है? लोग क्या कहेंगे? ये कुछ बातें हैं, लोग क्या कहेंगे? तो कहते रहे जो मर्जी। आप क्या चाहते हो? सब कुछ कहना बंद कर दें, सोचना बंद कर दें? अपने लिए क्या चाहते हो? कि आप जो चाहो वो सोच सको, जो चाहो वो बोल सको, ये चाहते हो? नहीं चाहते हो, लेकिन आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं वो ऐसा ना करें, वो वैसे ही सोचें, वही बोलें जो मुझे सुनने में अच्छा लगे। बेवकूफ नहीं है हम, दोगले नहीं है, झूठ में जीते हैं। अगर सच को आप देख लो, वो सच क्या है? मौत। अगले पल में मैं मरने वाला हूं, और ये सच है एक्चुअल में, अगर आप ध्यान से समझ पाओगे तो। जिंदगी और मौत को अगर एक्चुअल में कभी समझने निकल गए तो, तब आपको कुछ बड़ा कमाल का वहां पे नजर आएगा। सिर्फ यही तरीका है जिंदा रहने का, और कोई तरीका नहीं है।
वो फूल सिर्फ अभी के लिए है, मतलब सिर्फ इस मूवमेंट, वो रेनबो सिर्फ अभी कुछ देर के लिए रहने वाला है, दैट कैप्चर्स योर अटेंशन। आप उस वक्त पूरी तरह से उस मूवमेंट में होते हो, उस रेनबो के साथ होते हो, सोचो वो रेनबो हमेशा के लिए रहे। आपको बताओ हाँ ये यहां पे था 100 साल पहले, अभी भी है, यही रहेगा, देखोगे नहीं। हम मैन मेड जो चीजें हैं ना उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसमें उलझ करके रह गए हैं, और जो एक्चुअल में लाइफ है, लाइफ इज नॉट मैन मेड, मैन इज पार्ट ऑफ लाइफ। ये लाइफ जो बहुत बड़ी है उसका एक छोटा सा पार्ट है, चिंदी सा, जो अगर ना भी हो इस प्लैनेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि प्लैनेट अच्छा चलेगा। इसको मैन बोलते हैं, ह्यूमंस बोलते हैं, सच है झूठ है? सच है। हाँ, बाकी सबका भला हो जाएगा। तो जो लाइफ है, लाइफ का दूसरा मतलब यही है, जिंदगी और मौत साथ साथ में। कब कहोगे कि ये पैदा हुआ और ये मरा, एक कली है वो फूल बनी, कब कहोगे कि वो फूल पैदा हुआ, तो क्या कली नहीं मर गई है? जिस मूवमेंट में वो फूल पैदा हुआ है उसी मूवमेंट में वो कली मरी है। तो इस तरह से जब आप देखोगे लाइफ को, तो एक एक मूवमेंट में आप जीने लग जाओगे बाय योर वेरी नेचर, तब आपको इंपॉर्टेंस समझ आएगी इस मूवमेंट की, और वो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो सब कचरा नजर आएगा, जो इस पूरी दुनिया की सोच से बिल्कुल अलग है, तब आप एक अलग दुनिया में हो। इस दुनिया के लिए जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए बस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। मतलब पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या? पेट भरने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, कंफर्टेबल लाइफ के लिए, बस खत्म। नॉट फॉर एक्यूमुलेशन, नॉट टू सेटिस्फाई योर ईगो, ये देख मेरे पास में कितना है, तेरे पास में कितना, सब बेकार की चीजें हैं। जो आपके ड्रीम्स हैं वो सब इमेजिनेशन हैं। डेथ कोई इमेजिनेशन नहीं है, रियलिटी है। इस दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी, लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी है डेथ। आपका बचपन कहां गया? आप कहते हो मैं मरूंगा 50 साल बाद, अरे बचपन तो मर गया ना। तो ये जो अभी टाइम चल रहा है, क्या ये मरने वाला है, नहीं मरने वाला है? ये काले बाल मरने वाले हैं, नहीं मरने वाले हैं? सफेद बाल आने वाले हैं, कहीं तो बाल ही उड़ने वाले हैं, कहीं उड़ने शुरू हो गए। तो आप मर रहे हो, इस थॉट से डरते क्यों हो? अगर इसका डर आपके अंदर से निकल जाए तभी तो जी पाओगे। डोंट लिव लाइक अ प्लास्टिक फ्लावर, लिव लाइक अ रियल फ्लावर, जो अपना सब कुछ लुटा दे, और जब पूरी तरह से सब कुछ लुट जाता है तब आप मालामाल हो जाते हो। ये अंदर की दुनिया का कमाल है। अब इसको फंडे को बाहर की दुनिया में मत लगा देना, ये सारा पैसा लुटा दो और कहो अरे मैं मालामाल हो गया। मालामाल नहीं, तू भिखारी हो गया, जा बैठ करके भीख मांग सड़क के साइड। अंदर की दुनिया के फंडे और बाहर की दुनिया के फंडे बिल्कुल अलग है। अंदर की दुनिया का क्या फंडा है? जितना लुटा दोगे उतना ही अमीर होते चले जाओगे। अंदर खुशियां हैं उसको लुटा दो ना, अंदर कुछ आ रहा है उसको लुटा दो ना, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में उसको जाकर के बोल दो ना, और एक बार क्यों बोलना है, दिन में 10 बार बोल दो ना। वहां पर भी हम सोच रहे होते हैं कि बोलूंगा तो कहीं सर पे ना चढ़ जाए, ऐसे चिंतित थॉट आते हैं ना माइंड में। क्यों आते हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि आप हमेशा के लिए जीने वाले हो। एक ही हफ्ता है आपके पास में, अभी थॉट आएगा वो सर, सामने वाले को पता नहीं होगा कि आप इतना ज्यादा इंटेंस क्यों हुए पड़े हो, बस उसको अच्छा लग रहा होगा। आपको ये नहीं पता है कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूं इस सेशन को, एक सेशन ही तो है, बट आपको नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। तो आपको मजा तो आ रहा है लेकिन आपको ये नहीं पता क्यों आ रहा है। ऐसे ही रिलेशनशिप में होता है, आप किसी को देख रहे होते हो ना तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उसको देखोगे और वो पिघल जाएगा या पिघल जाएगी, खत्म। और एक बार जब आप पूरी तरह से अंदर से खाली हो जाते हो, खाली कब हो जाते हो? जब आप मौत के साथ में एक होते हो, जब आप कल मरने वाले नहीं होते हो, जब आप अभी मर रहे होते हो, जब आप मर चुके होते हो तभी आप जिंदा होते हो। ये कॉन्ट्रडिक्शन है लाइफ में बहुत बड़ा, इन दोनों को हम अलग अलग करके देखते हैं, इसलिए जिंदगी में कभी जी नहीं पाते हैं, मौत को पोस्टपोन करते हैं, ऐसी जिंदगी भी पोस्टपोन हो जाती है। जिसने जितना मौत को पोस्टपोन किया, इट इज अ फॉर्मूला, अभी अभी डिस्कवर हुआ है, आप लोगों से बात करते हैं, जैसे E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, एक फॉर्मूला है ना, अब सुनो एक नया फॉर्मूला। जिस प्रपोर्शन में जितना आप मौत को पोस्टपोन करते हो उसी प्रपोर्शन में उतना ही जिंदगी भी पोस्टपोन हो जाती है। कैसा लगा फॉर्मूला?
मौत को पोस्टपोन कर दो 50 साल के लिए, जिंदगी भी गई, कहाँ है जिंदगी, है ही नहीं, 50 साल पड़े हैं, अब मुझे ये करना है। मौत को पोस्टपोन कर दो 5 साल के लिए, कुछ जिंदगी आई। मौत को पोस्टपोन कर दो 5 दिन के लिए, कुछ और जिंदगी है। 5 मिनट के लिए, पता नहीं कितनी जिंदगी आ गई। 5 सेकंड के लिए, जिंदगी ही जिंदगी है वो।